इसको ट्राई करते हैं क्या सीन। अस्सलाम वालेकुम जी, तो वेलकम है आप सबका एक न्यू व्लॉग में। जी हाँ जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोपहर के बज रहे हैं एक, ये व्लॉग डिफरेंट व्लॉग है जरा को, क्योंकि आज हमारा था एनुअल लंच डिनर। ठीक है जी, तो सीन कुछ हुआ है इस वक्त, मैं खड़ा हूँ दोस्त के घर के बाहर। ये दोस्त है, ओ सॉरी ये नहीं, ये दोस्त है मेरा खड़ा हुआ माशाल्लाह, बड़ी ड्रेसिंग करके है बाहर। चल बड़े से इसने कटा के छोटे कर लिया। खैर ये सारी बातें एक तरफ। जी हाँ जी, तो दोपहर का इस वक्त एक हो रहा है बहुत यार लेवल की गर्मी आए, तो देखो माशाल्लाह मैनेजमेंट हमारी का साफ लगाएं आप। दोपहर के एक बजे पार्टी रख लिया उन्होंने, तो जी हाँ जी बिना टाइम वेस्ट किया मेरा दोस्त जल्दी में है कि यार गर्मी लग रही है, उसने माशाल्लाह किया लेरिंग, ये चेक करें आप। तो अब सीन कुछ हुआ है कि अब मैं इधर से जाऊँगा, हो सकता है मैं भी सेम तरह की ड्रेसिंग को फॉलो करूँ, तो बाकी जी रेस बाद दे दी यार। ये देखें ये हरामी दोस्त होते हैं, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं यार जाके। A few moments later. यानी गाइस, तो सीन कुछ हुआ है, फाइनली भाई ने आपके ने ड्रेसिंग वगैरह भी चेंज कर लिया है। ये पीछे एक मेरा लड़का बैठा हुआ है जिसे धूप से मसला है, वो टैन हो जाता है यू नो, बर्बर्स बच्चे। अच्छा एक भाई साहब ये हैं, सलमान भाई ने ज्वाइन कर लिया हमें। जी हाँ जी, तो अब यहाँ से डलवाया फ्रेश पेट्रोल, पीछे मेरे तंग कर दिया यार, क्या चलते हैं, रुक जाओ ना रुक जाओ, कुछ किया नहीं तुम टैन थे। अच्छा बाकी आप चलते हैं इधर डेस्टिनेशन पर जाकर ही मिलते हैं और वहाँ के सीन चेक करवाते हैं आपको क्या क्या सीन चल रहा है वहाँ पर। जी हाँ जी गाइस, तो सीन कुछ हुआ है कि हम यहाँ पर आ चुके हैं, मैनेजमेंट बहुत ही गंदी किस्म की मैनेजमेंट है। लेट्स सपोज इन्होंने मिसाल के तौर पर 2,000 रुपया लिया है, तो उसमें से मुझे तो लगता है पर हेड ये 900 वाला फंक्शन है, मैं आपको साइडों पर दिखा नहीं सकता। लेडीज़ भी मस्तूरात भी बैठी हुई हैं हमारे साथ, क्यों मौसम भाई क्या बचत आई आज आपको आज के फंक्शन में 2,000 रुपया दे रही है? अभी तक तो कोई बचत नहीं आई जी माशाल्लाह। हमें ज्वाइन किया इस तरफ हमारे दिशान भाई बैठे हैं, फूड ब्लॉगर हैं, रील्स बनाते हैं। हाँ जी दिशान भाई जी जी, आगे हो जाए थोड़ा आवाज़ आ रहा है। क्या क्या पूछे जा रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ आपने जो 2,000 रुपये किया है उसका आपको कोई बचत नजर आ रही है? यार अभी तो मेरे स्किन के 2-250 भी नहीं पूरे हुए 2,000 रुपये से। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये हमारे व्हाट्सएप में माशाल्लाह बहुत फेमस टिकटॉकर है, व्हाट्सएप कोई बचत आई हो 2,000 रुपये? कोई कोई चीज नहीं बची, ये ऑन कैमरा है, बाकी ऑफ द कैमरा बताता है। मिलते हैं हमको, ये पहले आती थी बाय में, आज आई है जरा कैजुअल में। अच्छा तो जरा अच्छी लग रही है, बड़ा हरामी हो बेटा। बाकी इंशाल्लाह बैठे हुए ये एक और बट साहब है हमारे साथ। हाँ जी बट साहब क्या बोलना चाहेंगे? आप देखे ऐसा लग रहा है जैसे हराम भी है, ये चेहरे देखें ऊंची बोलना थोड़ा थोड़ा ऊंची, जबकि हमें चाहिए सोफे। भाई जान देखे जब मैनेजमेंट ही आपकी इतनी अच्छी होगी ना फिर ये कुछ तो आपको मिलेगा। बाकी जुड़ गए रहिए हमारे साथ अब आपको अगर कोई तेन ए फ्यू मोमेंट्स लेटर A few moments later. Yeah.
hours later. जी चार घंटे की दलालत के बाद आवाम को खाना मिलना शुरू हो गया, जिसमें भी आपको मिलेगी शादी वाली पार्टी पे शादी वाली। ऐसे ही है जी, ये मेरे हाल से रायता वगैरह दिया, वो रशियन सैलेड है, कोई थकी हुई नस्ल का मतलब ना, कोई इतना अच्छा खास वाला नहीं है, बाकी ये वाटर वगैरह जी। बस चेक करते हैं क्या सीन है। ये मेरे साथ वही शख्सियत है जो गोलगप्पे वाले व्लॉग में आया था। क्या रिव्यू देना चाहोगे? आवाम तुम्हारी बहुत फैन है। बड़ी अच्छी अच्छी गोटियां डाल रहे हैं, जबरदस्त किस्म की। टेस्ट तो करते हैं ना, रायता फाड़ दो। ये मेरे हाल से चिकन कबाब है भाई, टिक्का है मेरे हाथ से, टिक्का बोटी है ये, इसको ट्राई करते हैं क्या सीन है। यार ये गाइस गाइस सीन कुछ हुआ कि यहाँ पे ये आ गया बिरयानी जिसके अंदर बोटियाँ हैं ही नहीं। ये तो अब सवाल उठता है मैनेजमेंट पे भाई जान, आपने 2000 लेके इन सब गरीबों से क्या दिया वहाँ? ये सालन है जी मेरे हाल से। बस आज गलू मैं बाहर व्लॉग च नहीं जाता, नया माल आ गया, माल ही माल, माल ही माल, माल अपडेट हो रहा है यार। नहीं मुझे था कि ये जो है ना खाने में कोई करेंगे दो नंबर ही, लेकिन नहीं फिलहाल तो गाइस अभी तो खाना साथ साथ आ रहा है। बाकी ये चिकन का कबाब ट्राई करते हैं चावल्स के साथ। A few moments later. के साथ आप एक माला ट्राई करते हैं क्या सीन है इसका। टिक्का बेहतर है। बाकी यार ये प्लेट का हाल है, बाकी मिलते हैं अभी यार खाना खा कर, फिर बाद में आपको सारी अच्छी बुरी बातें बताते हैं। गाइस ये चेक करें माशाल्लाह, फुल ऐसे तरी वाला कस्टर्ड है गाइस, यकीन करें पूरे लाहौर में। यार रुक जाओ रुक जाओ, गाइस पूरे लाहौर में इस तरह का आपको तरी वाला कस्टर्ड कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये हमारा एक जवान ट्राई करने लगा है यार। ये मैनेजमेंट वाला बंदा इसके लिए जितनी बात तुम्हार गाइस, ये मैनेजमेंट वाला जितने अच्छे ये देखते हैं, ये कस्टमर ये हमारे साथ एक और ब्लॉगर ने ज्वाइन किया है, मैं इनका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छा जी बताएं क्या रिव्यूज है खाने के बारे में, तू भी होना उठाने नहीं है खाना। यार ठीक है जस, मुझे तो ठीक लग रहा है। 2000 रुपया पूरा करता है बंदे ने, सुबह 7 बजे का नाश्ता किया और उसके बाद 5 बजे खाना मिले ना, तो दाल भी बंदे को छोटे गोश्त जैसा टेस्ट देती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है गाइस, ये बंदा यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से था, ये हमारा कुछ नहीं लगता। ये मैनेजमेंट का बंदा, ये मैनेजमेंट का बंदा, इसने पैसे लिए हैं, बिक गई है गवर्नमेंट, ऑनेस्टली नहीं है। इससे पूछे जिसने मैंगो कस्टर्ड खाया, सॉरी गवर्नमेंट बिक गई है। मैंगो जूस, मैंगो जूस बोले, मैंगो जूस के साथ कस्टर्ड और भी मैंगो जूस का नाम भी बदनाम है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये असल में इन्होंने मैंगो ये इन्होंने मैंगो शेक का और जूस का आपस में क्रॉस करवा के ना, बाकी पहला ब्लॉक करना चाहिए बहुत अच्छा लड़का है माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा लड़का, दुआ करें दुआ करें। मैं कहता है दुआ करो उसकी बहन उसके साथ राजी हो जाए।
जी हाँ जी गाइस, कुछ तो सीन कुछ हुआ है। ये है गुजरात ग्रिल वाले, इनका अभी सब कुछ खाना वगैरह देखा है। मतलब अल्लाह जानता है कि ये हमारी मैनेजमेंट में नुकसान है या फिर ये गुजरात ग्रिल वालों का नुकसान है, क्योंकि इन्होंने चार्ज बहुत ज़्यादा किया बच्चों से। ना खाना उस लेवल का, ना मैनेजमेंट उस लेवल की, ना वो होती है ना इंटीरियर डिज़ाइन, ना वो मतलब इस तरह का ना किसी भी तरीके से वो सारी जो अमाउंट दी हुई थी लोगों ने वो पूरी नहीं हुई इसी तरह। यार नहीं तू चला गया, ऐसी बात है। आज की पार्टी का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक्साइटेड बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर सके। सबसे पहले लैक ऑफ मैनेजमेंट, और सेकंडली के जो इन्होंने लंच अरेंज किया हुआ था हमारे लिए वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा नीचे था, बिलो द एक्सपेक्टेशन। टेस्ट बिल्कुल ज़ीरो था, और ऊपर से एकदम खाना खुला, तो बस आपको पता है जो जिधर गहमा गहमी हो जाती है पाकिस्तान में, बिल्कुल वही सीन था। सो कुछ बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया मैंने, बट ठीक ही था। बाकी आपके एक और व्लॉगर से मिलाते हैं, माशाल्लाह रील वगैरह बनाते हैं, निशान नाम है। अच्छा जी, खाने का बारे में कुछ चार लफ्ज़ कहते हैं यार। यार हम आपको खाने का सच बताएं ना, तो इनके जो टिक्के और कबाब थे ना वो अच्छे थे। हाँ, जस्ट वही अच्छे। उसके अलावा कोई चीज़ दो चीज़ टेस्ट की हैं, चावल और जो चिकन था वो भी ठीक। ब्रेड पे जो कस्टर्ड था वो भी बिल्कुल ना ऐसे जैसे भाई खीर होती है भाटा, उनका कचरा ऐसे जैसे वो नहीं होती दाल। हाँ, बिल्कुल दाल की तरह की खीर थी, तो इतना हादसा। यार एट द एंड अगर बात की जाए तो यार बहुत ही ज़्यादा बिलो द एक्सपेक्टेशन थी। मतलब अगर कहीं पे आपका गेट टुगेदर हुआ हो और इस तरह की मिस मैनेजमेंट, इस तरह की बकवास मैनेजमेंट, मतलब इस तरह का, मतलब यार वो पैसे पूरे ही नहीं हुए, सिंपल बात है, ऐसे ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बढ़ के इन्होंने जिस चीज़ के हाइप दी आवाम को कि यार ऐसे होगा ऐसे होगा, उसके साथ हम आपको ये देंगे जी बारबेक्यू होगा। यार यकीन करे ठंडा बारबेक्यू। अब ये बात नहीं है कि मैं बिल्कुल ही अगेंस्ट जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी के, नहीं यार, जो बात हकीकत है वो बतानी चाहिए, क्योंकि मैं एक फूड व्लॉगर हूँ, मेरा काम ही है रिव्यू करके देना यार लोगों को। अब मैं अगर लोगों को झूठी तारीफ करूँ जी गुजरात ग्रिल पे जाएं अच्छा खाना है, तो यार ये गलत बात है मेरी ऑडियंस के साथ भी, और जिन लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ उनके साथ भी। तो यार इंडोर का व्यू भी अच्छा नहीं है, इंडोर का व्यू भी अच्छा नहीं है यार। मैं सिंपली कभी भी किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा, जो जो ये मेरा व्लॉग देख रहा है, चाहे अगर वो गुजरात से रहते हैं, तो मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि यहाँ पर आके आप खाना वगैरह खाएं। ज़्यादा नहीं मैं कहता, सिंपल लो बजट में आप कुछ करना चाहें तो फिर आप मस्त आ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि भी हर बंदे का टेस्ट अपना होता है, इसी तरह लहदा बात है ना, क्योंकि अब यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव करोगे उनका टेस्ट और होगा। यार टेस्ट अच्छा तब होता है जब आके अभी पूरा बजट दिया जाए, पूरा बजट नहीं दिया गया जो, सिंपल बात है। बाकी खैर जी ये थी मतलब छोटा सा एक होना रिव्यू था आज की गेट टुगेदर के बारे में। मतलब मैनेजमेंट ने भी डिसअपॉइंट किया बहुत ज़्यादा, मतलब आज इस तरह लग रहा था, यकीन करें अगर मैं क्लिप शेयर किए तो मैं देख चुके होंगे आपके बहुत ही ना ऐसे डेड ऑडियंस, ना स्पीचों में कोई जोर, ना किसी और बात में जोर। एट द एंड आ जाकर वो एक यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने ही थोड़ा सा अच्छा शेर व शायरी की, ठीक है। उसके अलावा यार बस जी ये था, बाकी अगर आगे भी कोई सीन होता है तो मिलते हैं आपको वहाँ पर जाकर, अदरवाइज़ फिर यहीं से अल्लाह हाफिज़, बाकी देखते हैं।